आपको अच्छी तरह याद होगा कि 10 जून को जुमे की नमाज के बाद किस कदर देश में हिंसा फैल गई थी। एक हफ्ते बाद कल फिर जुमे की नमाज होगी, देश में एक बार फिर वो हिंसा का माहौल ना दिखे उसके लिए तैयारी पूरी पुख्ता है। ये 3 उत्तर प्रदेश के बड़े शहर जहां से तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबसे ज़्यादा विकट स्थिति पैदा हो गई थी। आज RAF लगा दी गई है, PAC लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सबसे पहले 10 जून से पहले जो जुम्मे को नमाज के बाद जो हिंसा भड़की थी, हालांकि पिछले जुम्मे को यानी 10 जून को वहां पर हिंसा नहीं भड़की थी, लेकिन फिर भी ड्रोन के कैमरे से नजर रखी जा रही है, हर छत को खंगाला जा रहा है, कहीं पत्थर तो नहीं इकट्ठे कर लिए गए, कहीं कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। प्रशासन की, उत्तर प्रदेश पुलिस की ये पूरी कोशिश है कि इस बार जुम्मे की नमाज के बाद माहौल किसी भी तरीके से खराब ना होने दिया जाए। और उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, वो सुनना बेहद जरूरी है, उसको सुनिए। 132 कंपनी PSC तथा 10 कंपनी CAPF और RAF किट का डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी सुपरवाइजरी ऑफिसर जिले में भेजे जा रहे हैं जो कि संवेदनशील जगहों पर स्वयं वहां रह के चीज़ों को सुपरवाइज करेंगे। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो तथा इस संबंध में सभी धर्मगुरुओं के द्वारा अपील भी जारी की गई है। पूर्णिया सिटी जानी ना, पूर्णिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। Thank you.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।